बीजेपी जो पार्टी जो आई है सत्ता में, सिर्फ जो फॉल्स प्रॉमिस करके सत्ता पे आई है, और हम मेरे को ऐसा उम्मीद नहीं है कि ये दे दे, बिल्कुल झूठी बात थी। और अभी हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई जब भी इलेक्शन होगा आगे, तो उसको हम लोग उसके खिलाफ सोचा जाएगा कितना मांगते हैं क्या नहीं। तो अब आगे के कदम क्या होंगे आज के प्रदर्शन के बाद? आगे का प्रदर्शन ये है कि अभी हम लोग 20 जुलाई को फिर अगले साल करने का मन बना है। यदि उसके बीच में हो जाता है तो हम लोग फिर सोचेंगे। प्रदर्शन 1 लाख सिग्नेचर हो चुके हैं, तो उसको आज हम सबमिट करेंगे शाम को। मैं भी पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा हूँ, मेरा हस्बैंड पैरामिलिट्री फोर्स में थे, CRPF में बिलोंग्स करते हैं। अपना जो मांग है, कदम सर जो बोला है, एकदम पूरा होना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट का अगेंस्ट दोबारा हमारा ये धरना प्रदर्शन या कुछ मांग तो पूरा करना ही चाहिए कैसे भी करके। इतने सारे सबका काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे। आर्मी वाले जितना फैसिलिटी पाते हैं, हम लोग को बिल्कुल फैसिलिटी नहीं मिलते। इसलिए जितना भी अपना मांग है, जितना मेन मांग है, एकदम आर्मी वालों का नाम आता है लेकिन पूरा काम तो पैरामिलिट्री फोर्स से संभालते हैं। एकदम बॉर्डर से लेकर आप लोग देखते रहते हैं, आप लोग अच्छे तरह से मालूम है, मीडिया में हमेशा दिखाते रहते, बोलते रहते, शहीद हो जाते लेकिन शहीद पेपर्स वर्क में शहीद नहीं। हम लोग लगातार मांग करते रहेंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड है, हमने आर्मी से भी ज़्यादा शहादत दी है, लेकिन जहाँ सुविधाओं का मामला आता है तो पैरामिलिट्री को पुश बैक कर दिया जाता है। हुए भी हैं तो मुझे पूरा विश्वास और निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए जो भी मांगे हो रही है इस धरने में, हमारे मोदी जी, शाह जी और राजनाथ जी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सभी सारी मांगे पूर्ण ज़रूर करेंगे।